तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो गाइस मैं विशाल, और स्वागत है आपका भी के विशाल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। गाइस यार, वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम हुआ खत्म, अब जो वीडियो है रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो कर दो लाइक। हमारे इस चैनल पे मस्त मस्त प्रोजेक्ट मेकिंग वीडियो आते रहता है। गाइस जो वीडियो हो रहा है, जो शूट हो रहा है वीडियो, किस लाइट से शूट हो रहा है, जो मैं लाइट बढ़ा के आपको दिखाने वाला हूँ उसी लाइट से मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ अंधेरा के समय में। अभी के लगभग 10 से 11 बज रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको लाइट दिखाता हूँ कैसा वो लाइट है। तो कैमरा मैन जा देना। तो गाइस देख सकते हो, तो यही लाइट है जो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ बना के। तो देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ये ब्राइट करता है, देख सकते हो यहाँ पे। और गाइस ये सच मानो तो काफ़ी ज़्यादा जोर करता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट बंद करके आपको दिखलाता हूँ। तो देख सकते हो, जैसे लाइट बंद किया तो मैं पूरा काला काला दिख रहा हूँ, देख सकते हो। मैं नहीं रोक रहा हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा सा ऑन करता हूँ इस लाइट को। तो देख सकते हो, हल्का हल्का जैसे ही ऑन करता हूँ काफ़ी ज़्यादा मस्त ये देख सकते हो चेहरा मेरा लग रहा है ना पूरा उजला उजला। तो चलो इसीलिए बात पे लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस टाइप का इमरजेंसी लाइट बना के अपने घर पे लगा सके, काफ़ी सारा पैसा बचा सके। तो चलिए चलते स्टूडियो के अंदर, देखते इसका प्रोफाइल मेकिंग वीडियो ऐसे कैसे कैसे बनाते हैं। तो अरे चला भैया चला, क्या बोला तूने? बैगन क्या बात है, क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको लेना होगा कुछ पीवीसी का टुकड़ा, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा हमने टुकड़ा ले लिया है पीवीसी का। तो चलिए फटाफट मैं बताता हूँ आपको डायमीटर कितना कितना क्या है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने 3 पीसेस लिया है। चलिए इसका मैं डायमीटर आपको बता देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इसको 11 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, जो चौड़ाई है इसका देख सकते हो यहाँ पे मतलब 2 सेंटीमीटर से 3 सूता कम है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने इसका 3 पीसेस ले लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो तो हमने लिया है, देख सकते हो 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर का हमने 2 पीसेस कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक 11 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर का 1 पीसेस हमने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर गाइस देखो तो 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर का हमने 2 पीसेस कट कर लिया है। तो गाइस यार सबसे पहले इसको बनाना होगा हमको बॉक्स, तो चलिए फटाफट से इसका बॉक्स बना दो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा सा करते हैं फास्ट। तो गाइस यार आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, कहाँ से देख रहे हो भी कमेंट जरूर से कर देना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये एक बॉक्स बन के तैयार हो चुका है, एक बॉक्स यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको हमको अंदर को नहीं लगाना है, और गाइस इसका और इसका हमने ढक्कन पहले से नहीं काट के रखा था, भोर पर आ गया था। चलिए अब इसका भी हम ढक्कन काट लेंगे, और इसको गाइस हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लेंगे हम देख सकते हो ये जिलेबी वाला LED, यहाँ पे 4 LED हम लेंगे और यहाँ पे चिपकाएंगे। समझ जाओ गाइस, इसके पहले जो हमको एक लाइट बना, एक LED जो लगाया था वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था, तो यहाँ पे हमने 4 LED लगाने वाले हैं, और यहाँ पे हमने 2 लिथियम आयन सेल लगाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगाने वाला चार्जिंग मॉड्यूल, उसके बाद गाइस यहाँ पे हम स्विच को लगाने वाले हैं। चलिए फटाफट से कनेक्शन करते हैं, उससे पहले इसमें चिपका के हैं और इसमें से कनेक्शन को निकालते हैं बाहर से। गाइज उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो हमने सोल्डिंग करना होगा, तो चलिए फटाफट से सोल्डिंग को कर देते हैं यहाँ पे। तो गाइज यार देख सकते हो ये यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो चुका है, और यहाँ से और एक यहाँ से हमको वायर निकाल के डायरेक्ट यहाँ से निकाल देना होगा बाहर। उसके बाद मेरा जो LED है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब चलिए मैं बॉक्स में फिट करता हूँ ये सब। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेना होगा हमको ये PVC का टुकड़ा, देख सकते हो यहाँ पे हमने काट दिया है इसको। गाइस क्या करना है, डायरेक्ट हमको इसमें बटकिया से डाल के चिपका देना होगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा टाइट ही रखना, यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मस्त ये टाइट फिटिंग हो जा रहा है।
देख सकते देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। उसके बाद हमको फेविकिट से बढ़िया से चिपका देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से चिपका देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। उसके बाद हमको गाइज क्या करना होगा, गाइज अब करते हैं इस मॉड्यूल में और इसमें स्विच में कनेक्शन। तो गाइज सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप आउटपुट लिखा होगा, तो इसमें हमको आउटपुट में नहीं जोड़ना है। इस यहाँ पे देख सकते हो वी माइनस और वी प्लस लिखा होगा, तो इसमें हमको बैटरी का डायरेक्ट ही जोड़ देना होगा इसमें। चलिए फटाफट से जोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से और एक यहाँ से हमको वायर निकालना होगा और एक वायर चल जाएगा मेरा डायरेक्ट इस स्विच में, और उसके बाद इसमें से और एक यहाँ से डायरेक्ट मेरा चल जाएगा जो हमने LED लगाया था उसमें। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन करते हैं। गाइस उसके बाद यहाँ पे हमको इसमें बढ़िया से डबल साइड टेप से चिपका देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से इसको चिपका देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक PVC का हमने टुकड़ा लगा दिया है, चिपका दिया है बढ़िया से, ये अब अंदर जाने वाला नहीं है, नहीं तो कभी कभी हम लगाते हैं अंदर में चल जाता है बाहर। तो उसके बाद गाइस हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो रेड वाला वायर है इसको हमको डायरेक्ट इस स्विच में बढ़िया से इसमें कनेक्शन कर देना होगा कुछ इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद गाइस इसमें से क्या करना होगा, हमको एक और वायर लेना होगा देख सकते हो यहाँ पे, इसको हमको कुछ इस तरह से इसमें सोल्डिंग कर देना होगा। उसके बाद गाइस हमको क्या करना होगा कि इस यहाँ पे देख सकते हो हमने एक होल किया यहाँ पे, तो इसको हमको बढ़िया से इसमें लगा देना होगा कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग गया। इसके बाद इसमें नट को हम लगाएंगे और ये जो द्वार है डायरेक्ट मेरा जो LED है उसमें लग जाएगा। तो गाइस इसके बाद इसमें हमको PVC पाइप में बढ़िया से हमको सीट में यहाँ से निकाल देना होगा, तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीके से हम निकाल दिया है। इसके बाद इसमें हमको चिपका देना होगा। उससे पहले गाइस हम बैटरी को चिपकाएंगे डबल साइड टेप से कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हो, तो चलिए फटाफट से चिपका देता हूँ। तो गाइस चलिए अब इसको हम फटाफट से बैठा के चिपका देते हैं, तो आप भी बढ़िया से इसमें चिपका दीजिएगा साइड मिला के। तो चलिए मैं फटाफट से चिपका देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस इसके बाद इसमें हमको बढ़िया से इसको चिपका के सोल्डिंग कर देना होगा इस वायर को, तो चलिए फटाफट से पहले हम चिपकाते हैं उसके बाद इसमें सोल्डिंग करेंगे। गाइस इसमें हमको बढ़िया से सोल्डिंग कर देना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से सोल्डिंग कर देता हूँ। देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब गाइस चलिए हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं बाहर के। वाह गाइस देख सकते हो काफ़ी मस्त ये बढ़ रहा है। अभी गाइस ये पूरा फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज होने पर काफ़ी मस्त ये ग्लो करने लगा, तो चलिए पहले हम चार्ज करते हैं पूरा फुल। तो चलिए गाइस पहले देखते हैं इसमें हम चार्ज को लगा के, तो देख सकते हो जैसे यहाँ पर चार्ज हम लगा गाइस देख सकते LED जो है ग्लो हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ देख सकते हो अंधारा में यहाँ पे हल्का हल्का लाइट ग्लो हो रहा है। चलिए मैं लाइट बंद कर देता हूँ। अब देखो गाइस और जब पूरा फुल चार्ज होगा तो LED जो है वो हरा हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा चार्ज में लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा ये लाइट दे रहा है। चलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा दिया एक बहुत ही मस्त प्लास्टिक, देख सकते हो ये जहाँ पे पंखा वाइंडिंग होता है वहाँ पे ये प्लास्टिक काफ़ी आसान तरीका से मिल जाता है 5 या 10 रुपए में। अब देखो गाइस यहाँ पे जैसे हम आस्ते आस्ते बार रहे हैं देख सकते हो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मस्त ये लाइट दे रहा है गाइस। चलिए मैं लाइट को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ, उसके बाद देखो गाइस कितना मस्त ये लाइट दे रहा है, लग रहा है स्टूडियो का लाइट ही बढ़ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो मैं कम कर दे रहा हूँ, देख सकते हो एक नंबर पे है। उसके बाद गाइस देखो काफ़ी मस्त ये लाइट दे रहा है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस आपको ये लाइट कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे इस टाइप का मस्त मस्त प्रोजेक्ट मेकिंग का सामान आते रहता है। तो गाइस इसको आप कलर भी कर सकते हो, अभी मैं कलर इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मस्त ये लग रहा है, देख सकते हो। और इसको आप फिनिशिंग थोड़ा सा देते हुए तो और ही काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगेगा।
तो गाइस यार यहाँ पे देखो काफी मस्त तरीका से हमने इसको पेंट कर लिया और देख सकते हो यहाँ पे घिस घिस के हमने काफी स्मूथ इसको कर दिया है। देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिल्वर कलर से पेंट किया है और थोड़ा थोड़ा मतलब काला कलर से छीटा मार दिया है। देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, बिल्कुल मार्केट की तरह देख सकते हो। और सारा जो कॉर्नर है देख सकते हो हमने घिस घिस के काफी मस्त सा इसको बना लिया है। देख सकते हो गाइज यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो गाइज, काफी मस्त ये लग रहा है। यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल का देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम खाली सिल्वर रख दिए क्योंकि इसको तो ऐसे ही रख देना है। तो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस यार देख सकते हो हमने आगे स्टूडियो के बाहर, अब चलिए लाइट को थोड़ा सा बार एडजस्ट करते हैं। देखने में काफी ज्यादा देख सकते हैं अंजोर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पेड़ कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, देख सकते हैं कितना ज्यादा अंजोर ये कर। तो गाइस यार आपको ये इमरजेंसी लाइट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।